सिया पटेल। हमारी बहन ने लिखा, हनुमान जी और महादेव मेरे सपने में आते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं, क्या करें? अभी गुपचुप ही चलने दो, थोड़ा बात आप कर लिया करो बिना सोते हुए, जागते में उनसे थोड़ा बातें कर लिया करो, वो सोते में तुमसे कर लिया करेंगे, सपने में आकर के वो तुम्हें भी संकेत दे दिया करेंगे। जैसे दर्शन हो रहे वैसे ही तत्सुख सुखित्वम, जिसमें हमारे प्रिय को सुख हो वही करना चाहिए, इसी का नाम प्रेम है। पुष्कर शर्मा है, ये कह रहे हैं, गुरु जी मैं भिक्षा ही आ रहा था, मुझे व्यापार में बहुत परेशानी हो रही है, गुरु जी लोग बहुत पीछे पड़ रहे हैं, पैसे की दिक्कत आ रही है, बागेश्वर धाम से जुड़ने से सभी को की परेशानी दूर होती, मेरी कब होगी? चलो हम आपको एक कवच दे देंगे, बालाजी लीला कर देंगे, पूजा खंडेलवाल आपने लिखा, सीताराम गुरु जी मेरा भाई एक्टर है पर बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे काम नहीं मिल रहा, काम क्या करें बताइए, बहुत परेशान है। बेटू भगवान करे तो उसे बहुत जल्दी अभिनय की दुनिया में सफलता मिले कुछ, लेकिन उसको हमारा एक सूत्र कह देना कि पर्दे पर अभिनय करने से ज़्यादा अच्छा है रियल जिंदगी को ही अभिनयमय बना दो, पर्दे पर निखर जाओगे। ये शिवम तिवारी है, इनका कुछ कौतूहल भरा प्रश्न है, गुरुदेव चरण स्पर्श, गुरुदेव क्या रावण का पुतला दहन करना उचित है? यदि हाँ तो ये कहीं वर्णित है, जबकि हमें रावण से कई सीख मिलती है, वो एक विद्वान पंडित थे, महान शिव भक्त भी थे, क्या है अंकित? शिवम तिवारी, शिवम शिवम जी, रावण का पुतला दहन करना ठीक है, ऐसे आतताई को तो बार बार जलाना ही चाहिए, लेकिन रावण भी कितना बड़ा वाला है, हर साल जलाते हो वो हर साल फिर खड़ा हो जाता है, कभी ये भी तो विचार करो। आपने कहा रावण का पुतला जलाना ठीक नहीं है क्योंकि वो महान शिव भक्त और पंडित और ज्ञानी था, बात ठीक है, लेकिन ऐसे पंडित और ज्ञानी जिसने भगवान का विरोध किया हो, भगवान से द्रोह रखा हो, ऐसे रावण को जलाना ही उचित है, और अगर जलाए ना हर साल तो शायद रावण की याद इतनी ना आए, जला रहे हैं तो रावण की इतनी याद है तो सीख लेते रहो और रावण को जलाते भी रहो, अपमान रूपी रावण को जलाओ, लेकिन हम ठीक इसके थोड़ा विरोध में हैं। लोग कहते हैं कि रावण को जलाइए, मारिए अपने अंदर के रावण को, अपनी बुराई का दमन कीजिए, अपनी बुराई का हिंसा, लेकिन हम शिवम थोड़े से ठीक उल्टा सोचते हैं, हम कहते हैं हमें भीतर के रावण को नहीं मारना, और ये बेफिजूली की बात भी है, ये बेफिजूली का काम भी है, समय बर्बाद वाला काम है, इसमें कोई हाथ लगता भी नहीं है कुछ, रावण को मारो, रावण मरता भी तो कहाँ है, दस सिर वाला रावण, तो अंदर जो बैठा है पापमय रावण उसे मत मारो, हम थोड़े दूसरे पक्ष में हैं, रावण के मारने के पक्ष में नहीं है, हम राम को जगाने के पक्ष में हैं, राम को जगा लीजिए रावण अपने आप मर जाएगा, उजेला जगा लीजिए, प्रकाश प्रकाशित कर लीजिए, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा, पुण्यों को स्थापित कर दीजिए, पाप अपने आप घट जाएंगे, दिन को आकर के बैठा लीजिए, रात अपने आप सुन्न हो जाएगी, उसी प्रकार राम को जगा लीजिए, रावण अपने आप दमन कर लेगा अंदर का, और वाहिक रावण का जलाने की जो प्रथा है जलते रहने दो, ऐसे रावण जलेंगे तभी तो राम राज्य की स्थापना होगी, लेकिन अभी तक केवल रावण पुतलों तक सीमित है, अंदर तक सीमित जिस दिन हो जाएगा उसी दिन जलाना सिद्ध हो जाएगा, और फिर उसी दिन जलना भी, रावण का जलवाना भी बंद हो जाएगा।